Yesterday I have explained some important structures of some passive voice sentences. किसी कारण से वीडियो थोड़ा अधूरा रह गया था, मैं उसके ठीक आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा. यदि कि कोई वाक्य हाउ मैनी हाउ मच से शुरू है तो ऐसे वाक्यों को, यहीं से मेरा वीडियो डिस्कनेक्ट हुआ था, आगे हम लोग बढ़ेंगे. हाउ मैनी हाउ मच से शुरू है तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे. हाउ मच राइस डू बी एक्सपोर्ट एवरी ईयर. तो यहाँ तक ये रहेगा ही. कल भी मैंने कहा था ये क्वेश्चन वर्ड है, साथ में ये ऑब्जेक्ट है. अब जब बनाएंगे हम तो हाउ मच राइस इज, चूँकि ये राइस सिंगुलर कंसीडर करेंगे, गिन नहीं सकते हैं, एक्सपोर्टेड बाय अस एवरी ईयर. ये आपका कंप्लीट सेंटेंस आया. अब हम एक में पैसिव वाइज स्ट्रक्चर अलग से है देखने का प्रयास करेंगे. क्विशी पैसिव वाइज कल छूटा था ये, अर्थात द पैसिव ऑफ क्विशी पैसिव वर्ब्स. कुछ वर्ब्स का एक्शन फॉर्म होते भी पैसिव मीनिंग होती है. ऐसे वर्ब को पैसिव में बदलते समय एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को बदला जाता है. जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, तो बनेगा शुगर इज स्वीट. व्हेन इट इज टेस्टेड दूसरा है द मेडिसिन टेस्ट बिटर. तो बनेगा द मेडिसिन इज बिटर when it is tested. ये बिल्कुल न्यू पैसिव वॉइस हैं फिर आपके लिए, इनको देखने और समझने का प्रयास करेंगे. एक सेंटेंस और है इसी के लिए. The flowers smell sweet.
The flowers smell sweet. The flowers are sweet. Sweet when they are smelled. इसके बाद कर्ड टेस्ट सावर. कर्ड कर्ड टेस्ट सावर. तो कर्ड इज सावर. व्हेन इट इज टेस्टेड. ये आपके पैसिव वॉइस है, इनको समझने का एक प्रयास करेंगे. अब मैं आपको कुछ ऐसी क्रियाएं बताऊंगा, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद निश्चित तौर पर बाई के स्थान पर दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है. ये क्रियाएं हैं, देखने का प्रयास करेंगे. कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद बाई के स्थान पर एट, इन आदि का प्रयोग होता है, अर्थात बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग. ध्यान समझेंगे, क्रियाएं हैं ये सरप्राइज्ड, कामा एस्टोनिस्ट, कामा डिसअपॉइंटेड, कामा डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लेस्ड, अलार्म्ड, के बाद एट का प्रयोग होता है, बाई का नहीं. यहां पर इनके बाद एट का ही प्रयोग होगा. नंबर दूसरा, एग्जाम्पल एक यहां पर मैं करना चाहूंगा. योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी. ये सरप्राइज सेकंड फॉर्म में तो बनेगा आई वाज. आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस. ये समझने का प्रयास करेंगे. नेक्स्ट, कुछ नहीं हुआ है, केवल जहां पर बाई लगना था उस पर हमने एट का प्रयोग किया है. नंबर दूसरा है, नॉन तथा ओब्लाइज्ड के बाद टू का प्रयोग होता है, बाई का बिल्कुल नहीं करेंगे. जैसे एवरीबडी नोज गांधी जी. तो बनेगा गांधी जी इज, चूंकि नून लगा है, नोच लगा है, नून नून टू एवरीबडी. इसके बाद हम पहुंचेंगे नंबर सी पे. कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद हम विथ का प्रयोग करते हैं. केवल मेहनत से ध्यान समझने की आवश्यकता है. प्लीज्ड सेटिस्फाइड नंबर तीसरा है.
pleased, satisfied, इसके बाद disgusted, इसके बाद charmed, इसके बाद है thronged, lined, आदि के बाद जो प्रीपोजिशन आता है विथ आता है, क्या आता है विथ का प्रयोग हम करेंगे, बाई का किसी हालत में प्रयोग नहीं होगा। जैसे माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, सीधा जाएगा ही वाज pleased with my behavior, अब हम देखेंगे चौथा है content तथा interested के पश्चात कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के पश्चात नंबर चौथा था कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के बाद इन इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, सॉरी This box contains many beautiful things. तो बनेगा many beautiful things are contained. Are contained in this box. एक दो बार पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, निश्चित तौर समझ में आएगा जो हमारे मन में एक भ्रांति है कि हर पैसिव वॉइस बाई का प्रयोग होता है, मैक्सिमम बाई का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ये वर्ब्स हैं जिनके बाद किसी के साथ एड, किसी के साथ बिथ, किसी के साथ इन आदि का प्रयोग होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।